बॉक्स ऑफिस के दबंग स्टार यानी कि सलमान खान की दबंग 3 पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित कर दिया गया। जी हां, फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म दबंग 3 ने ताबड़तोड़ बम्पर ओपनिंग लिया है। सभी सिनेमाघरों की बात करें तो सभी सिनेमाघरों में लगभग हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ नजर आया। जी हां, पहले से ही फिल्म की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और पहला दिन करीब करीब सभी सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ नजर आया। PVR हो या फिर मल्टीप्लेक्स या फिर सिंगल थिएटर, सभी सिनेमाघरों में सलमान खान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोलने लगा। ऐसे में सभी भोज दर्शक यह जानना चाहते होंगे फिल्म ने पहले दिन का कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक फिल्म का कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया कि फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो जिस तरीके से सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ मल्टीप्लेक्स और PVR के साथ साथ सिंगल थिएटर में नजर आया, उससे अंदाजा लगाया गया है कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुका है और उम्मीद है कि फिल्म मात्र 3 दिन में ही करीब 120 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है। जी हां, क्योंकि शनिवार और संडे को भीड़ काफी ज्यादा होती है क्योंकि छुट्टियों का मौसम होता है और इस दिन लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को कलेक्शन बढ़कर करीब 60 करोड़ हो जाएगा और संडे को कलेक्शन करीब 70 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि दबंग 3 में सलमान खान का दमदार डायलॉग दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, खास करके दमदार डायलॉग पर लोग सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान पर फिल्म आया हुआ गाना तो दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोला। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म देखने लायक बनाई गई है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक दबंग 3 नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर फिल्म का लुत्फ उठाएं और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा और बाली की फिल्म कैसी लगी।